लगता है मेरी लुगाई लगी पड़ी है जाके कपड़े धोने में, मैं भी लग जाता हूं उठा के जा पीने में। आदावर्ती जवाब था आदावर्ती, आपका पी सिर्फ तशरीफ लाई उठा के हम आपका तशरीफ लाए हम अभी अभी पूछे ही चले आ रहे हैं डम 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 आपके मुंह में। मेरे मुंह में? हाँ भैया आपके मुंह में। हाँ भैया आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए उठा के। ठीक है बैठ जाते हैं भैया आपके मुंह में। लगता है आपके गोदूं जाने मेरा में कुछ हाने के खाने जंगी के लिए जनाब शराब नोशी फरमा रहे हैं डम 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 आपके मुंह में। अरे नहीं नवाब हजरत शराब नोशी नहीं, हमने तो अभी अभी शरबत रूह अफ़ज़ा पिया है उठा के। खैर छोड़िए असली मुद्दे पर आ जाते हैं। हाँ तो सुनाइए कैसे हुआ आना आपका उठा के। अमर कैसे हुआ आना? अमर जुम्मन भैया भूल गए क्या? आज से कल हमने आपको 20,000 रुपए उधार दिए थे वो हम ले जाए डम 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 आपके मुंह में। 20,000 रुपए? हाँ भाई 20,000 रुपए। अरे आप नाराज क्यों होते हैं? तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। अरे नवाब साहब बस थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, कसम खाकर कहते हैं आपकी इस पायजामे की इस कुर्ते की और इस फटी सड़ी पुरानी शेरवानी की हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, पाई पाई चुका देंगे। देखो जुम्मन मियां तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमारी इस खानदानी शेरवानी को इस पुश्तैनी शेरवानी को तुम सड़ा हुआ और बदबूदार बता रहे हो। इतिहास गवाह है, सारा शहर लखनऊ जानता है हम नवाब गाजी अली शाह के आखिरी चश्मो चिराग हैं। अब हमारी नवाबी चली गई तो क्या हुआ? हम आज भी हमाम में उसी परियों के साथ नाटेल ले लेकर आपके मुंह में। अरे अरे नाराज क्यों होते हैं नवाब हजरत? गुस्सा होगा ना मैं धो दीजिए उठा के। वो क्या है कि नवाब साहब बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। आप तशरीफ रखिए मैं आपके लिए शरबत मंगवाता हूँ उठा के। हाँ मंगा लो शरबत वरना हमारा गुस्सा भी बहुत खराब है लेने को आपके मुंह में। जल्दी शरबत मंगाइए। ओ मेरी गुलबदन गुलाबो जरा नाम के नवाब के लिए एक गिलास बगैर चीनी का शरबत दे देना उठा के। हाँ बगैर चीनी का भी कोई शरबत हुआ भला? फ्री में बगैर चीनी का मिल लिया ये क्या कमे उठा के। ठीक है मंगा लो। ठीक है मंगा लो। सुभान अल्लाह कितना हसीन शरबत है। अजी शरबत उधर नहीं इधर है नवाब साहब, उधर तो मेरी लुगाई है उठा के। कितनी मिठास है शरबत में। चीनी की डाली इसमें? 10.5 बच्चों की कसम एक भी दाना मैंने चीनी के नहीं डाला। और भी कम पड़े तो तुम्हारी कसम, तेरे बाप की कसम, तुम्हारे माँ की कसम, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पूरे खानदान की कसम। खा वो 10 में खा उठा के। इतनी कसमें तो तेरी दाढ़ी में चुपत गई होंगी उठा के। हैं पेट भर के कसमें खा।
एक पूरे मोहल्ले की खा, पूरे शहर की खा, कभी तेरा पेट ना भरे तो इस तंदूरी नवाब को खा लियो उठा के। अमर जुम्मन भैया, भावी ज्ञान पर क्यों नाराज होते हो? वो तो इनके हाथों में ही इतनी मिठास है, हाथ लगते ही शरबत खुद ब खुद मीठा हो गया दे देकर आपके मुंह में। क्यों है ना भाभी ज्ञान, बाग अंगूर का छोड़ आए थे शराब पर जवानी में, पागल बुरा पल पल बैठा किशमिश किशमिश करता। सेठ आ गए हो नवाब, अंदर जा, अंदर जाओ उठा के। अरे अंदर जाना, बूढ़े हो गए हैं, सेठिया गए हो, बाल सफेद हो गए हैं तुम्हारे, लेकिन बूढ़े बंदर की तरह गुलाटी मारना बराबर जारी है, उठा के हैं? अरे गुलाबों की बाप की उम्र के हो, लेकिन उसका देवर बनने की खामखा कोशिश किए जा रहे हो उठा के। देखो जुम्मन मिया, ये हमारी उम्र के बारे में क्या फरमा रहे हैं आप? अभी हमारी उम्र क्या है, ले देकर 80-60 साल के बीच झूल रहे हैं आपके मुंह में। अमर ये उम्र तो हमारी अभी खाने खेलने की है। वैसे जुम्मन मिया एक अर्ज है, ये गिलास बगैर चीनी का शरबत और भी खा लेते आपके मुंह में। शरबत नहीं, जहर मिलेगा, पियोगे उठा के? अमर तुम तो खाम खा नाराज हो रहे हो। अमर कर्जे की हमें कोई जल्दी नहीं है, देना आराम से। अब कर्जे के बहाने ही सही, घर में आना जाना तो लगा ही रहेगा ले देकर। ऐसा है, हम कल फिर फुर्सत से आकर आपके घर में शरबत पिएंगे डमडमाडम बगैर चीनी का। चल कुकर मुट्टे। ओए ओए नवाब रंगीले, यहाँ बताइयो बता रही हूँ, हाँ उठा के। जिस दिन दिल्ली वाला मुझ पर मेहरबान हो गया ना, उस दिन तेरे रुपये तेरे मुंह पे आगे मारूंगा उठा के। आधा वर्जे जुम्मन भैया, आधा वर्जे, आधा वर्जे, आधा वर्जे। प्यारे मोहन बेटी आ बैठ, वो सुना कि ऐसी हाल चाल हो जाती है? अब क्या बताया जुम्मन भैया, कल तुमने जो नंबर बताया तो वो तो फसो ही आए। मैंने सट्टा में सारे घर के बर्तन वाले बेचबाज के पैसा लगाए थे, बस मैं तो बर्बाद हो गया जुम्मन भैया, बर्बाद है। अबे धीरे बोल, मेरी लुगाई ने सुन लिया तू लेने के दीने पड़ जाएंगे उठा के। तो कहा भाई लुगाई से डरा था, ये मैं नहीं डरता उठा के। सुन आज मैं बाबा से वो तो 16 का नंबर पूछ के आया हूं उठा के, कल फंसेगा ही फंसेगा उठा के। एक काम कर, ये पकड़ सोना। ओ, सोना बेटी चले, सोना सोना, ये मेरी लुगाई को पता चल जाएगा लेने के देने हो जाएंगे, बताऊं तुझे। देख 80 की बिंदी लगा दियो और एक मुंडा जरूर लगा दियो, ठीक है? तो जब नंबर फंस जावे कल तो सब पैसे लाके दे दियो मुझे उठा के। बाजुम्मा भैया वाह, तुमने घूम गई, सोना बेच में हूं जाऊं है और सट्टा लगा हुए हूं जाऊं, और आ जाए तो बेच के सारे पैसे तुम्हें दे दूं और पुलिस के डंडे हूं खाऊं है। तुमने तो बहुत पागल समझो है, तुमने घूम गई। अब सुन ले, जाए बेच के सट्टा लगा लो, जब सट्टा आ जाए वो तो बाकी आधे पैसा हम लूंगो। बोलो। अबे जाली नोट, ये काम तो वैसे मैं खुद ही कर सकता हूँ उठा के, पर तू तो जानता ही है पिछली बार जब मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था ना, तो मेरी फोटो अखबार में वो है ना अपनी
मक्खन की डली करीना कपूर, उसकी फोटो के बिल्कुल बराबर में लगी थी अखबार में। तेरी कसम प्यारे मोहन पिए थे, हम दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे वो कहते हैं ना कि हाँ एक अंडा एक कौड़ी अल्लाह को पलाई जोड़ी उठा के। अब देख उस दिन से पुलिस के साथ साथ सारा शहर मुझे शाहरुख खान की तरह पहचान गया है उठा के। अब चल ठीक है, मजबूरी का नाम जुगाड़गा, तू भी ले लियो आधे उठा के। ठीक है ठीक है, अब इससे पहले मेरी लुगाई को पता चली तू यहाँ से नोट होगी। अरे होले भैया मन भैया आधा वर्षे लगा दे उठा के भैये। अजी सुनते हो कचेरे के अब्बू, मैं अपने बहनोई के यहाँ जा रही हूँ एक दो दिन के लिए, और मेरे पीछे मेरे बच्चों का ख्याल रखना और टाइम से खाना बना के खिला दिया करना, और बचे तो आप भी खा लिया करना। ठीक है जाओ उठा के, कम से कम मगर नवाब रंगीने की मुसीबत तो टलेगी। और सुनो बच्चों के कपड़े गंदे पड़े हैं वो धो देना, और बर्तन साफ करके हिफाजत से रख देना, और सुन रहे हो एक भी बर्तन कम ना हो जाए, और कपड़ा धुलो तो साबुन कम घिसना, अगर एक भी बर्तन कम हो गया तो अपने सांड जैसे भाइयों से कहकर तेरी खाल खिंचवा लूंगी। और सुन अगर दूध या दूध लेके आए तो बच्चों के हाथ मेरे पास भिजवा देना उबाल के, और मोटी सी मलाई डाल के, और मैं चलती हूँ। कितना बुरा वक्त आ गया है, हैं? कमखन मारी की रही है, खाना बचे तो खा लेना, बच्चों के कपड़े धो देना, फिर दूध उबाल के मोटी सी मलाई डाल के मेरे पास भेज देना, ये नौकर समझ रही है मुझे, नौकर भेजूंगा दारी, जरूर भेजूंगा उबाल के, इतनी मोटी मलाई डाल के भेजूंगा कि आज तक किसी दूध में पड़ी ना हो। अस्सलाम वालेकुम गुम्मन भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम नवाब साहब, हमारे छुपाटे क्यों हो? अब तो हमें भी हर काम में अपना शरीर समझिए। लेडी का आपके मुंह में, आप तशरीफ रखिए उठा के, यहाँ बैठिए। क्या बात है गुम्मन भैया, आज तुम्हारा घर तो सूना सूना सा लग रहा है लेडी का आपके मुंह में। अरे नवाब साहब आपको घर की पड़ी है, यहाँ तो पूरी जिंदगी मेरी सुनी पड़ी है उठा के, सुनी पड़ी है उठा के, दस दस बच्चों का खर्चा है नवाब साहब। अरे नवाब साहब आपको तो पता ही है जो कर्जा हमने आपसे लिया था वो इस इरादे से लिया था कि कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे उठा के, मगर हमसे ये गलती हो गई उठा के, हमने वो सारा 20,000 रुपया उठा के अपनी लुगाई के हाथ में दे दिया। हमारे लुगाई के हाथ में नहीं दोगे तो? अरे वो 20,000 रुपया एक महीने में चट कर गई करम गली, ये कमबख्त मारी खा खा के टुन टुन होती जा रही है, और मैं सूखे कुत्ते की तरह पिंचर होता जा रहा हूं उठा के। नवाब साहब दस दस बच्चों का खर्चा है, अब बताओ कहां से पूरा होगा? एक दो बच्चे होते तो सुकून से पल जाते उठा के, अब इन बच्चों की खातिर मैं जुआ खेलना सट्टा लगाना चोरी करना सीखे उठा के।
हमारे लाहौर में लाखों भर जुम्मन मियां आप सट्टा भी लगाने के लिए लेडी को आपके मुंह में। अब क्या करें नवाब साहब, ये दस दस बच्चों का खर्चा पूरा करने के लिए सट्टा तो लगाना ही पड़ेगा उठा के, और ऊपर से ये बच्चों की अम्मा करमचली खर्चों पे खर्चे लगाती रहती है उठा के। उस दिन खेलने लगी, हजी सुनते हो, मेरे लिए वही सूट ला के दो जो वीर जारा ने प्रीति जिंटा ने पहना था उठा के। अब कमखत हमारी वीर जारा में प्रीति जिंटा वाला सूट पहनेगी, शकल देगी नहीं आईने में, शकल देखो तू ऐसा लगता है नवाब साहब अल्लाह की कसम कि जैसे वो कहती है ना कि हाँ कुदरत ने गुस्से में बनाया हो करमचली को। अब नवाब साहब और तो और उस दिन बोली मुझे मेकअप लाके दो, और करमचली की गिरन लगी हुई सूरत की खातिर उसकी मेकअप की खातिर मैं चोरी करके चला। करता क्या है हाथों में क्या कह रहा था, हाँ चोरी करने चला गया। अब बताओ एक दुकान का ताला तोड़ा इतना उठा के, ताला तोड़ के जैसे भी ने शटर उठाया नवाब साहब, पीछे से दो पुलिस वालों ने आके मुझे ऐसे पकड़ा। गलती हो गई नवाब साहब, वो क्या कि मैं जज्बात में आ गया था उठा के। नवाब साहब वो पुलिस वालों ने मुझे थाने में ले जाके ऐसे कूटा, ऐसे कूटा जैसे धोबी कपड़े कूटता उठा के। नवाब साहब अब आप ही बताओ हम क्या कर सकते हैं ऐसे में। अम्मा तुम तो बड़े ही नसीब वाले हो जो तुम्हें ऐसी गुलामों भाभी जान जैसी बीवी मिली है लेने का आपके घर में। वैसे क्या बात है जुम्मन मियां, अभी तक भाभी जान कहीं नजर नहीं आई लेने का आपके घर में। अरे नजर किए से आएंगी उठा के, मियां ने तो अपनी लुगाई को उसकी माय के भेज दिया तुम्हारी वजह से उठा के। अम्मा बड़े जाहिल किस्म के इंसान है आप, लो कर लो बात, घर की रौनक को बेघर कर दिया आपने। हमें आपसे नहीं रखा जा रहा था तो हमें इतना करनी होती, हम अपने सीने से लगाकर खुशी खुशी अपनी पुरानी हवेली ले जाते डबडबा जाना आपके मुंह में। ये अजमरी नवाब बहुत हो गया, हाँ ये अरे तुम ये दिया कर रहे हो जी बुलाओ, मेरी लुगाई नहीं हो तुम्हारी लुगाई हो जाके। अरे उसे यहाँ पे रखू या कहीं और भेजू मेरी मर्जी है, तुम कौन होती हो हुकुम चलाने वाले है? कौन होते हैं अमा, हम उस लेडी कदरदान है हम। देखो जुम्मन मियां अगर कल तक भाभी जान को वापस घर में नहीं आए तो समझ लेना अपना 20,000 रुपए की रकम खड़े खड़े ले जाएंगे आपके मुंह में हाथ पटा दे रहे। चल दुकान मुट्टे नवाब साहब, नवाब साहब यार एक बात बताते जाइए उठा के, इसका नाम कुकर मुट्टा क्यों रखा उठा के वो तो एक छोटी सी बात है, जब हम हमाम में होटल पड़ियों के साथ नहाते हैं तो ये भी टांग उठाकर कुत्ते की तरह घुसाता है। कुत्ता मुट्टा, हम उसको कुत्ता मुट्टा बोलते हैं, तो हम आकर सर सड़ा के कुकर मुट्टा बन गया है। क्या कुकर मुट्टे कुकर मुट्टा बन गया है कुत्ता मुट्टा। सड़ा नवाब हमारा बड़ा बड़ा फिरता है रंगीला नवाब। बजे मार के कर दो रामजादे, शराब भी तो नकली बनाने लगे हैं, पानी जैसी बना दिए बिल्कुल, चाहे जितनी पियो
चढ़ती नहीं है, चढ़ती नहीं है। इतनी बकवास, सब में मिलावट चल रही है, हर चीज में मिलावट चल रही है, बुरी चीज में भी तो मिलावट है। आजकल का जमाना देखो, जो बुरी क्या कह रही है, अब चक्र चक्र पापा खट्टी है, अरे खट्टी के बच्चे खट्टी है, चक्र आओ तू क्या मेरा बाप है। अबे जब बड़ा हो जाए तो खूब पियो, हैं? देसी पियो, ठर्रा पियो, रम पियो, खूब पियो, खूब पियो। अबे ये क्या कर दिया है, बाल काट रहा हूँ। अबे क्या गंजा करके पीछे छोड़ेगा क्या उसको, बाल काट रहा हूँ खुद तो बहुत, कोई काम करता नहीं है, मुझसे मना कर दिया है, मुझसे मना कर दिया है, अब छोड़ दे। नहुआ है तू क्या जन्मदिन का, ये अबे काय को मांझ लिया सड़े हुए दांत, ये तेरे बाप दादा ने कभी मांझी है तो तू मां। अबे क्या कर रहे हो, ये मेरे बाल काट रहे हो उठा के, अबे कमर मार रहे हो, कभी रात में जाके अपनी अम्मा के काट नहीं करो उठा के, ये अबे तुम लोग यहाँ खलुए बैठे रहते हो, चुप है सीधे ही बैठ जाता, ठलुए बैठे रहते हो, कुछ काम धाम किया करो, ए काम धाम। तू पिएगा, तू पिएगा, काम धाम किया करो बेटा, मुन्ना काम धाम किया करो, काम धाम किया करो, कोई बच्चा पीएसए लेके जा रही हो ही करे तो पीएसए छीन जाया करो, किसी की कोई चीज कहीं रखी हुआ करे उठा लाया करो। अरे जानवर है क्या, ये पत्ते ही खाए जा रही है, क्या करेगा पत्ते, अभी ज्यादा मत ज्यादा मत चल, तेरी अम्मा को तलाक दे दूंगा दो मिनट में, समझा। देखो बच्चों, देखो कोई बच्चा पीछे लेके जा रही हो अगर छीन लाए करो, किसी को कोई चीज रखी हुआ करे उठा लाया करो, ये काम धाम किया करो उठा के। जेब तो बाजू ये पैसे काय में रखूंगा, अभी जेब बाजू ये पैसे काय में रखूंगा, तेरे बाप की जेब सलामत हो इसमें ला के रखा कर, तेरा भी पूरा पोता पड़ा हुआ है तू। बेटा मेरी तो गरीबी में पटकी है, गम खटमारा अच्छा भला चल की है सीरिया है, सीरिया चल ले सीरिया, हाँ मजा ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा, इतनी पीढ़िया चल रही नहीं है, चल रही नहीं है। अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे, ओ बापू अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे बापू अल्लाह के नाम पे दे, ओ अल्लाह के नाम। अरे भिखारी है तू, ये अबू ये भी तो काम है, भीख मांगने का तो काम है अबू। अरे हाँ ये भी तो काम है, आप ही ने बताया भीख मांगो चुरा के लाओ। अभी ये तो भीख मांगे बड़े बाप से ही मांगेगा क्या, मोहल्ले वालों से मांग के लाओ जाके, कमखत मारे ऐसे ऐसे घिर के भेट गए मेरे सिर के ऊपर, ऐसे भिड़भिड़ा रहे जैसे शरीर मिठाई पे मक्खियां भिड़भिड़ाती है उठा के। चलो भाभी यहाँ से, भाभी यहाँ से, चलो भाभी यहाँ से, कमखत मारे। खान साहब, अरे खान साहब, ये कौन है, अभी कदे की तरह चिल्लाए जा रही है उठा के। मैंने हो खान साहब, दूधिया टेसु राम, अबे टेसु राम हो या घेसु राम, अंदर आ जाओ उठा के। पाया लगू खान साहब, जुग जुग जिए, अल्लाह तेरी हिफाजत करे उठा के। और सुना ये भी आना ना उठा के, अब का बताऊं खान साहब, पूरे आठ महीना है गए, नीचे बैठ, नीचे बैठ। ये भी आया, ए और आज तू दूध क्यों नहीं लाया उठा के, अबे तुझे पता है
जिस दिन मेरी लुगाई दूध ना पिए मेरा खून ही पी जाती है कम्मा खतमारी। जे पैसे में खाते तो ना मिले हो तो वो दूध तंते दे देंगे। आठ बना है गए पैसे में से कितन सूख गए। जब दूध खा देंगी ना तो दूध कंधे दे देंगे तो मैं तेरे खाता अपना कंधे ले जाऊंगा तू। अबे गोबर की खाद तेरी भेजिया बूढ़ी और पुरानी हुई है उठा के। तू मेरी बात मान उन्हें पीएच दिए और थोड़े से पीएच मिला के तना टन सी नई भेजिया ले आओ उठा के। ना खा साहब तो उठा के ना लाऊंगा तो खरीद के लाऊंगा बाजार जाएंगे। अभी तो हूं पैसे में चारा लेने जा रहा हूं। जी पैसा तुम कर दो तो पैसे में चारा ले आऊंगा। 200 रुपये कोई एली टेली जुड़त लगा के गांव के बनिया से उधार लाया हूं। थोड़े बहुत कच्ची तुम कर दो तो पैसे में चारा आओ खान साहब। अरे तू नीचे क्यों बैठा है? अरे ऊपर दिए जा मेरी लाल मेरी पीली मेरी नीली हरी गुलाबी। कितनी पैसी है तेरे पास? ज्यादा ना गाजा 200 रुपया। 200 रुपया है? अच्छा मुझ पे दूध के कितने है तेरे उठा के? ज्यादा ना गाजा 4 महीना के हिसाब लगाए के 800 रुपया। अभी पानी के काट के बता दूध में मिले वो पानी के काट के बता उठा के। कसम तो मैं लेके खा सर बहुत मार पे चले जाते हैं। मैंने 2 मन तो पास दूध में पानी ना मिला। तो दूध पानी ना मिला टाइम हमको तो पियो दूध बाबू। अच्छा तो 800 रुपया है ना? ये काम कर ले मेरे पास है ना पूरा 1000 का नोट है उठा के। वो 200 रुपये तू मुझे दिए दिए मैं 800 रुपये तेरे दूध के मिला के 1000 का नोट तुझे दे देता हूँ। ठीक है अरे ठीक है ठीक है गिन गए हमें यकीन है। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1000 रुपये दिलवाता हूँ। अरे मेरे खोटे ऐसे क्यों आधे मेरे आधे ना जाने किसके बच्चों। अरे जरा बाहर को आओ उठा के। अरे किसकी घात हो रही है? अरे कम्मा का तुम्हारो मैं तुम्हें किराए का लग लिया उठा के। ये केसु राम को ले जाओ और इनकी मैयत बना दो। मेरा मतलब है इनको चारा बना दो मतलब 1000 दिए दो इनको उठा के। आया आया ऊंट पहाड़ के नीचे ऊंट नहीं केसु राम आया राम केसु राम जहाज बनाना रेल सुअर बना रहे साले को उठा के। खूब मारो खूब मारो पेट भर के मारो उठा के। अम्मा का है उसे ही पता होगा कि उसने बच्चे पूरे पिए था किए या अधूरे उठा के। अम्मा रात छोड़िए हम अभी अभी चौराहे से आ रहे हैं।
वहाँ शायद आदमी का बेटा है। लड़कियों के ऊंची एड़ी के सैंडल से दम दमा दम चौराहे पर सरेआम पिट रहा है। आप सच कह रहे हैं? हमें एकदम सच। आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ भाई, हूँ बहु आंखों से देखा है भाई। वो मेरा ही बेटा है। अरे अब चौराहे पर लोग गुफ्तगू कर रहे थे, चिलबोलियां हो रही थी कि जुम्मन का बेटा है, जुम्मन का बेटा है। अच्छा कौन से नंबर का है वो उठा के? अब सैंडलों का नंबर हमें क्या मालूम? अरे ये सैंडलों का नंबर नहीं पूछ रहा हूँ उठा के, अपने लड़के का नंबर पूछ रहा हूँ। तो क्या है नवाब साहब, मेरे घर में एक नंबर से लेके 10 नंबर तक थोक के हिसाब से बच्ची है उठा के, है कि नहीं? अब नंबर उम्बर का तो हमें मालूम नहीं, बस ये समझ लो कि वो आप ही का बेटा। अरे वाह, अरे तो मुबारक हो भाई, मुबारक हो मुबारक हो। अरे वाह, मेरा बेटा ही पिट रहा है ना, पक्का यकीन है? अरे वाह, आज मुझे अपने बेटे पे फख्र हो रहा है नवाब साहब। देखना मेरा बेटा अपनी नस्लों की नस्लों की नस्लों के नाम रोशन करेगा उठा के। देखना नवाब साहब, मेरा ये बेटा एक दिन जरूर ये लड़की छेड़ प्रतियोगिता होती है ना, उसका नंबर वन का खिलाड़ी बनेगा उठा के। मुझे अपने बेटे पे बहुत फख्र है उठा के नवाब साहब। अरे आप तशरीफ रखिए, आप खड़े क्यों हैं नवाब साहब? आज तो नवाब साहब हमें भी अपनी जवानी की यादें, जवानी की बातें याद आ रही हैं उठा के। अब वो नवाब साहब क्या कहते हैं उसको, वाह वाह, वो क्या है कि वो भी क्या दिन थे जब हम भी खूब मटर लगती क्या रहते थे उठा के। एक एक दिन में 15-15 लड़कियों को छेड़ दिए थे उठा के और खूब मजे से पिट देते। वैसे ही हमारा बेटा पिट रहा है भैया। अरे जो बाप ने किया वही बेटा करेगा उठा के, है कि नहीं? ये फिर तो बेटा कर दिया है तो कौन सा बुरा कर रही उठा के। अरे नवाब साहब वो दिन भी क्या दिन थे साहब, लेकिन ना जाने कौन सा मनुष्य दिन था वो जिस दिन मैंने तुम्हारी गुलाबों को छेड़ दिया। अरे ये से पट गई जिसे पटने के लिए तैयार बैठी हो उठा के। आज मुझे अफसोस होता है नवाब साहब कि मैंने गुलाबों को नहीं अमेरिका को छेड़ा हो ना, दो के कम हमारी ये पड़ गई कि शादी कर गई दम या उठा के। वैसे नवाब साहब आप वहां पर क्या कर रहे थे चौराहे पर उठा के? हम क्या कर रहे थे वहां? हम खड़े खड़े अपनी आंखें सेक रहे थे, अपनी नजरें क्या कर रहे थे जुम्मन मियां? वही जुम्मन मियां, बड़ापे का भी बड़ा फायदा होता है, चाहे कितना भी नजर भर कर देखो किसी को शकी नहीं होता। अरे जवानियां, जुम्मन मियां वहां तो बड़ा मजा आ रहा था कसम से। अरे चलो आगे आठ करता थी, इधर हमें भी आगे आठ करता थी। अरे स्वामी हमें तो एक चीज दीदी मांगता जी, हम आपको कर मुट्ठे पहले कोई चिड़िया फंसने दो ना, फिर हम तुम्हारे अपने बात तुम्हारा भी करवा देंगे शादी। हाँ मेरे पर मुझे करा देना, जाओ पीर पीले करा देगा। अमा जुम्मन मियां तुमने बात कहकर हमारी यादों को आज ताजा कर दिया, खुदा की कसम ले लेकर आपकी उम्र दिल बाग-बाग हो गया कसम से। हाँ वो तो है उठा के भैया नवाब साहब, आज इधर हमें खूब नाचल लूंगे उठा के। आइयो सर जी हमारा शादी करवाओ, अरे देखना अपना बीवी के साथ सारे जिंदगी कैसे नाचता लूंगी उठा के। अरे सर जी तुम अगर शरबत पीना हो तो तोड़ा हमको भी देना जी, भाभी जी का हाथ का शरबत बहुत सुंदर बहुत मीठा होता जी, उसी दिन हमें थोड़ा क्या था
आज तक हमारा मिली ना होता अरे हाँ जुम्मन मिलिया हमारा ये जिला शर्मा ढोल मना लो ना मना लो शर्मन मना लो मेरे घर में चीनी नहीं है उठा के हमें चीनी नहीं है तो नींबू पानी ही मना दे नींबू भी नहीं है उठा के हमार तो खाली पानी ही पीवा दो आपके मुंह में मेरे घर में अकाल पड़ा हुआ है जैसे तुम्हारी आंखों का पानी सूख गया है ना वैसे ही मेरे घर के मटके सूख गई उठा के हमार तो जुम्मन मियां वाली भाभी जान से ही मिलवा दिया होता आपके मुंह में बस बहुत हो गया नवाब साहब ए आप तो हद से आगे निकलते जा रहे हो उठा के भाभी जान से ही मिलवा दिया होता ए वो मियां नाराज मत हो अब जब तक हमारा तुम पर पड़ना है जब तक तुम्हारी हर घर की हर चीज पर हमारा अख्तियार रहेगा लेने का हाँ तो कर लो फैसला मैं कर लो फैसला जब तक तुम्हारा कर्जा मुझ पे है ये काम कर लो मेरा लाडला ले जाओ गिरवी के तौर पे रख लियो अपने घर अपने घर का काम करिए उठा के और जब मैं तुम्हारे पैसे दे दूं तो मैं अपना लाडला वापस ले आऊंगा उठा के अरे लाडला क्या चुम्बन चुम्बन का हीरा है वो हीरा उठा के आपने पहले कभी नहीं बताया कि आपका एक बच्चा हिजड़ा है अरे हिजड़ा नहीं कह रहा हूं ये अरे सटिया गए हो नवाब ये तो हमें पहले ही पता था लेकिन बेरे भी हो गए हो उठा के ये हमें आज पता चला है ये तुमको पता है हम क्या कह रहे हैं हम हिजड़ा नहीं कह रहे हैं हम हीरा कह रहे हीरा हमारे तो चीप क्यों रहे हो कोई हम बहरे हैं कहो तो लाकर दिखा दे अपना लाडला हीरा मतलब भी क्या जाके सोच लो वो है नूर हीरा है हमारा बच्चा हाँ उठा के सोच लो ठीक है वही लाकर दिखाओ तो जरा अपना हीरा वो हीरे कैसा बच्चा हाँ हाँ अब हीरे आते हैं उठा के लड़के की लाइए ना अरे अब हीरे आते हैं उठा के देखो जुम्मन मियां बहुत हो गया इस तरह की बेहोश की हमें बिल्कुल पसंद नहीं है आपके मुंह में माफ कीजिएगा नवाब साहब गलती से ये कमरबंद टूट गया था उठा के हमारा कैसा कमरबंद है जो टूट गया हमें सामान पर लेकर आओ इसीलिए तो पकड़ हुआ आम की तरह आपके ऊपर टपक पड़े आगे उठा के हमें तो कमरबंद से पकड़ कर क्यों ला रहे हो लाते हैं जरा जल्दी लाइए ना उठा क्या दे रहा श्रीनगर अब श्रीनगर आवाज देख लीजिए नवाब साहब हीरा है मेरा हीरा वो तो खानदानी आ जाते जी ये एकदम तो खत्म नहीं हो जाएगी उठा के मन भैया ये बच्चा तो आप ही का है ना तो नहीं कर पड़ोसियों का उठा के नहीं नहीं आपका हाथ पांव देख कर शक हो रहा था इसीलिए पूछ बैठे अमर जेब पता है अमर जेब पता है अमर दाजली
बाकी कहाँ है? कोशिश ही तो की है उठा के, कोशिश ही तो की है उठा के। अब खानदान याद नहीं, तुम तो खत्म हो नहीं जाएगी उठा के। ये हेलो पसंद आया कि नहीं उठा के? हमारे ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको गिरवी रखकर कोई उसके की तंबाकू भी नहीं देगा, फिर हम अपने 20,000 रुपए कहाँ से वसूल करेंगे लेने कर आपको? नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा जुम्मन मियां, हमारे छोटा गुलमी रखकर कोई हुक्के की तंबाकू भी नहीं देगा, फिर हम अपने 20,000 रुपए की रकम कहाँ से वसूल करेंगे ये देखकर आपके मुंह में? हमारे से तो लाख दर्जे बेहतर है हमारा बेटा शर्फू, हमें उसको बुलवाया उससे मुकाबला करवाया। बुलवा लेते हैं, बुलवा लो जी उठा के। हम आपको गर्म मुट्ठे जरा जाकर हमारी हवेली हमारे बेटे शर्फू को तो भेज दीजिए और रोना जा जल्दी जाइयो। ठीक है जी, अपने बेटे को हमारी ससुराल बुला लो उठा के। हमें ससुराल क्यों? अरे वही मुकाबला हो जाएगा आपके बेटे का और हमारी बेटे का उठा के। अगर हमारा बेटा जीता तो कर्जा बराबर, और अगर तुम्हारा बेटा जीता तो दुगने हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, भाभी जान को भी लेकर पड़ेगा वहीं पर। ये नवाब रंगीले आइए आइए नवाब साहब, ये है हमारी ससुराल उठा के। आ जाओ आ जाओ। अपने बेटे का हमारे बेटे से हमारे तो लो ठीक है लो, अरे हमारा पढ़ने में आलम हमारा बेटा शर्फू हमारा जुम्मन मियां आपका आलम हमारा मुकाबला अपने अपने ही कैंडी के अचार से। हाँ करा लो मुकाबला उठा के। अरे बेटा शर्फू जरा इनके शर्फू झंडे के हाल चाल तो पूछ ले। अपने घर का मेरी नजर कर रहा है बड़ा एकदम समझे और चलाने आधे मर आधे चलाने कौन तो तेरा बाप को जो शरीर था उस दिन शराब पी लिया था जब नाली के सारे पड़ गया था कुत्ते की तरह। ये काम कर लेते हैं अगर आपको हमारा ये नब्बू जन मेरा वतन है ये में जैसा बेटा पसंद नहीं आया ना कोई बात नहीं अंदर हो भी है मैं अरे वहां से छाट लीजिए उठा के। देखो हिम्मत मियां ये तेरा मेरा लूजा लंगड़ा अपहरण नहीं करेगा, कोई साफ सुथरा सीधा सा बच्चा अगर हो तो दिखाई दे वरना अपनी बेगम को ही गिरवी रख दिए ये देकर आपके मुंह में। और सर क्या करो क्या बच्चे देखो बच्चे अंदर चल के चलो अगर जो अपने बाप से पहले ना तभी ये करेंगे तभी अभी जा सकते जिंदगी में पहली बार झगड़ा कर रहे हो बताओ क्या बात है? पुलिस ये तो मेरे बाप को पैर से डालती है जब मेरा बाप चल जाता है तब मेरे बाप को पुलिस यही ले जाती समझे चौ चौ सरकार
ये आपके बच्चे में दिलाना है सरकार। चुप सरकारी बोला सरकार, ये आपकी नकल उठाना है सरकार, मेरी नकल आ रहे हो कानून में मजा आ रहे हो मेरी पार्टी की धज्जा हो रहे हो जान नहीं तुम लोग कानून क्या करते हैं कानून क्या बच्चे मुझे कानून सिखाता पढ़ना जी सरकार लगता है कानून पढ़ना दिल की धड़कन सरकार और सरकार लगता है वो तो आधा मर गया सरकार। अबे तीसरे कहते बेहोश हो गया ये तो गहरी बनी थी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार आप ही सरकार का पांच डंडे लगा दो सब कुछ अंदर है सॉरी सर सरकार आप चिल्ला रहे थे सरकार के बच्चे ये चिंता नहीं आप ही अंदर उसी पर कटाना हमने चेक करा था सरकार जब तक मर गया था सरकार चेक कर ठीक से कोई बात नहीं दूसरे तरीके से चेक करता हूं मार डाला देखो
हाँ
आपको शर्म नहीं आती? अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखा कीजिए। तो बेटा आप जरा मेरे मुझे आपके अंदर से कृपा दे। जाइए बेटा, जा जा जा। खबर सुनिए, बताओ क्या बात। कुछ तो ख्याल किया कीजिए अपनी इज्जत का। जरा मैं नहीं सोचती आप शराब छुआ सहता क्या क्या नहीं करते आप। और बच्चों को अंजाम आपके बच्चों दुनिया भर देखा हुआ है मानने का। कभी मासूम बच्चों की जिंद को नशा कर देता है, कभी सोचा है इनके बारे में? कभी कुछ नहीं सोचा। काश तुम्हारे भी कम बच्चे होते, मैंने पढ़ सकते ले जा सकते एक अच्छा इंसान बना सकते, कभी सोचा आपने? और इतना ही नहीं, शराब पीकर अपनी बीवी का हाथ उठाते हैं आप, जरा की बहन नहीं करते। ये सब कुछ जानते हुए भी कि कितना बड़ा गुनाह है एक औरत का हाथ उठाना, ये जानते हुए भी ऐसा कुछ नहीं करती होगा आपके परिवार को चलाने के लिए, क्या कुछ नहीं करती। 9 महीने पेट में रहती है उस बच्चे को, उसके बाद उसे जन्म देती है, उसके बाद उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ती है, लिखाती है, ताकि पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके, क्या कुछ नहीं करती। और के बाद जरा जरा की बातों पर उसे मारता है, पीटता है, ये दो वक्त की लोग भी नहीं कह सकता, मर होने का दावा करता है। अरे और अब तो वो भूल है जैसे घर में सजाने से घर की इज्जत बढ़ती है, घर की रौनक बढ़ती है। और ये मर्द, ये समाज के बैठी दरिंदे इंसान जो ये समझते हैं कि दुनिया पर राज जिनका है, वो ये भूल जाते हैं कि भगवान के घर दे रहे हम देर नहीं, वो ये भूल जाते हैं कि आवाज भगवान की इंदा की बे आवाज है, ये जानते हुए भी वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित एक ना एक दिन जरूर करना होगा, वो ये भूल जाते हैं। ऐ दुनिया पर राज करने वाले इंसान, मैं तुम सबसे कहता हूं, अगर दुनिया पर राज करना है तो औरत की इज्जत करना सीखो, नहीं तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि औरत की आंख भगवान के सिंहासन को हिला देती है। फिर तो तुम लोगों की और बात क्या है। मेरे दोस्त मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, आज तुमने मुझे सीधी राह दिखा दी। मेरे दोस्त मैं तो बड़ी उम्र में था, बहुत बड़े दूर में था, मैं ये सोचता था कि जुआ लूटी सट्टा और चोरी से इंसान अमीर बन जाता है, लेकिन मेरी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी मेरी। आज मुझे एहसास करा दिया तूने मेरे दोस्त कि जुआ शराब लॉटरी सट्टा चोरी से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, कमी से इंसान बड़ा बनता है, मेहनत से इंसान अमीर बनता है। मुझे माफ कर दे, आज के बाद कभी कभी कर्जा नहीं लूंगा, कभी सट्टा नहीं लगाऊंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, अपने बच्चों को भूखी सूखी खिलाऊंगा, बच्चा नहीं जी सकते कमाई खिलाई क्या लगे मुझ पर, क्या लगे मुझ पर। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, अपने बच्चों को हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगा। माफ कर दे मुझे।